हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ, सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब आपने कुछ क्वेश्चन करा था कि दो डिफरेंट वाट के पैनल को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मान लो आपका कोई एक पैनल है 100 वाट का, दूसरा पैनल है 150 वाट का, क्या दोनों को हम आपस में कनेक्ट करके काम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने एग्जाम्पल दिया 100 वाट और 150 वाट। ऐसे ही डिफरेंट वाट के पैनल कोई सा भी हो, दो डिफरेंट वाट है, दोनों का वोल्टेज अलग है, करंट अलग है, तो हम उस दोनों को कनेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं? इस पे हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है, फिर आपको रिजल्ट बताते हैं। दोनों का वोल्टेज अलग है और दोनों का करंट भी अलग है। इसका करंट अलग है और इसका भी करंट अलग अलग है, और दोनों का जो वोल्टेज है वो भी अलग अलग है। हम दोनों को चेक करके देखेंगे कि क्या वोल्टेज और क्या करंट है इन दोनों का आ रहा है। ठीक है, तो बारी बारी से चेक करते हैं दोनों का। तो सबसे पहले हम इस पैनल का चेक करेंगे। यहाँ पे हम जो मल्टीमीटर ले लिए हैं, इसी मल्टीमीटर से हम करंट भी चेक करेंगे और वोल्टेज भी चेक करेंगे। और हमने दो कनेक्टर भी लिया है, वाई कनेक्टर, इस दोनों पैनल को हम पैरेलल में करने के लिए। सबसे पहले हम इस पैनल का जो है वो वोल्टेज चेक करके देखेंगे कि कितना वोल्ट आ रहा है। मल्टीमीटर को हमने सेट कर लिया है 200 वोल्ट पे, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो 200 वोल्ट पे हमने सेट किया है, यहाँ देख पाएंगे 40 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, यानी 40 वोल्ट दिखा रहा है इस वाले पैनल का। ये जो एक्चुअल में वोल्टेज भी इसका इतना ही है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, 40 के आसपास आता है। तो अब इसका करंट देख लेते हैं। तो एम्पेयर चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर में चेंज कर लिया और इसका एम्पेयर चेक कर लेते हैं कि कितना एम्पेयर ये अभी दे रहा है। अभी धूप हालांकि ज़्यादा नहीं है इस कंडीशन में, देखो देख पा रहे हो, धूप थोड़ा कम है। देखो 2.61 एम्पेयर दे रहा है ये पहला पैनल। हालांकि ये जो पैनल है 4 एम्पेयर करंट देता है, 4 पॉइंट समथिंग एम्पेयर करंट देता है, लेकिन धूप थोड़ा कम है, अभी ठंड का टाइम है, तो इस वजह से थोड़ा सा एम्पेयर भी कम दे रहा है। इस वाले पैनल का एम्पेयर पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि एम्पेयर पे सेट किया हुआ था मल्टीमीटर पे पहले से ही, तो हम उसको पहले एम्पेयर चेक कर लेंगे। तो एम्पेयर देख पाओगे 5.42 आ रहा है। तो इस वाले पैनल का जो रियल में एम्पेयर है वो 8 के आसपास एम्पेयर इसका आता है, 8 पॉइंट समथिंग एम्पेयर आ जाता है, लेकिन फिलहाल देख रहे हैं हम 5.39 के आसपास एम्पेयर शो कर रहा है। इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्ट ये पैनल दे रहा है। तो इसका हम वोल्टेज पे सेट कर दिए, तो ये आप देख पाओगे, देखो 20 के आसपास वोल्टेज दिखा रहा है। तो और रियल में इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 22 के आसपास है, इसका ओपन सर्किट वोल्टेज इस वाले पैनल का। तो दोनों पैनल को हम पहले सीरीज में करते हैं, और आपको पता है कि सीरीज में कनेक्शन करने के बाद जो होता है वोल्टेज इंक्रीज करता है और करंट सेम रहता है। ये तो नॉर्मली कोई भी कनेक्शन करोगे आप, जो कोई भी बैटरी या कोई भी पैनल का सीरीज करोगे तो वोल्टेज जुड़ेगा, एम्पेयर सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीरीज करने के बाद क्या इफेक्ट आता है। वोल्टेज तो हालांकि जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि वोल्टेज तो सीरीज में वैसे भी जुड़ता है। तो देखो ऑलरेडी वोल्टेज जुड़ गया, ये देखो 61 वोल्ट आ गया, यानी एक का 40 के आसपास वोल्ट था, दूसरा 20 के आसपास वोल्ट था, तो दोनों का वोल्टेज जुड़ गया, यानी 61 के आसपास वोल्टेज इसका शो करने लगा। यानी हमने देखा कि वोल्टेज का नुकसान हमें नहीं हो रहा है, वोल्टेज का लॉसेस नहीं हो रहा है। अब हम करंट को देख लेते हैं कि करंट का लॉसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि 2.68 एम्पेयर शो कर रहा है, यानी देखो 2.69 थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि धूप की वजह से, यहाँ देखो धूप थोड़ा कम है, देखो 2.68, यानी यहाँ पे हम देख लिए कि एम्पेयर का यहाँ हमें नुकसान हो रहा है इस वाले कनेक्शन को करने के बाद। यानी अगर हम सीरीज कनेक्शन करते हैं दो डिफरेंट एम्पेयर के पैनल का, तो हमें करंट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये पैनल जो था ये वाला 5 एम्पेयर के आसपास दे रहा था और ये 2 एम्पेयर के आसपास दे रहा था। तो इस वजह से वहाँ पे ओवरऑल जो एम्पेयर होना चाहिए था वो ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एम्पेयर कम दिखा रहा है, इसलिए एम्पेयर का नुकसान यहाँ पे हो रहा है। अब चलिए इसे हम पैरेलल कर लेते हैं। पैरेलल करने के लिए हमने एक वाई कनेक्टर लिया है, तो वाई कनेक्टर से दोनों मेल को एक साथ जोड़ लेंगे और दोनों फीमेल कनेक्टर को एक साथ जोड़ लेंगे। तो आप देख पा रहे हो ये हमने फीमेल कनेक्टर को जोड़ के एक फीमेल कनेक्टर बना लिया है, दोनों पैरेलल कनेक्शन करके, यानी मेल मेल, यानी माइनस माइनस में और प्लस प्लस में जोड़ लिया हमने। और इसको हम चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज और करंट में क्या फर्क पड़ रहा है। मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर इस तरह से बना दिया है हमने। अब इसमें हम कनेक्टर मल्टीमीटर जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले हम एम्पेयर चेक करेंगे, क्योंकि एम्पेयर पे पहले से सेट किया हुआ था मल्टीमीटर में, तो एम्पेयर को चेक करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ देखो
8 के आसपास एम्पियर आ रहा है। और आपको पता है कि पैरेलल में क्या होता है, एम्पियर जुड़ता है, तो एम्पियर यहाँ पे आपने देखा कि एम्पियर जुड़ गया, 5 एम्पियर एक का था, 2 एम्पियर एक का था, लगभग 8 एम्पियर के आसपास हमें मिल गया। तो हम देख पा रहे हैं 8 एम्पियर के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। तो पैरेलल कनेक्शन करने पे एम्पियर का तो नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हम वोल्टेज का नुकसान हो रहा है कि नहीं हम उसको भी देख लेंगे। तो हम वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं मीटर को, जो हमारे पास मल्टीमीटर है उसको वोल्टेज पे सेट कर लेते हैं। तो वोल्टेज पे सेट करने के बाद हम कनेक्शन देखेंगे। देखो वोल्टेज पे जैसे ही सेट किया, देखो यहाँ पे वोल्टेज जो दिखा रहा है वो 21.7 वोल्ट दिखा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि वोल्टेज का नुकसान यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमने इस बार छोटे वाले पैनल का देखा था कि वोल्टेज 40 के आसपास दिखा रहा था और इस लंबे वाले पैनल का 20 के आसपास दिखा रहा, लेकिन यहाँ ओवरऑल वोल्टेज जो हुआ 21 के आसपास आ रहा है, यानी हमें 20 वोल्ट का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। मैं बारी बारी से एक एक कनेक्टर आपको खोल के दिखाता हूँ। देखो अभी वो वाला पैनल जो है जो 40 एम्पियर वोल्ट का था उसका खोल के दिखा रहा हूँ। तो देखो वोल्टेज यहाँ पे 20 हो गया, जो बड़े लंबे वाले पैनल का वोल्टेज था वही वोल्टेज यहाँ पे शो करने लगा। देखो वो पैनल लगा हुआ है और इसको हमने खोल दिया, तो उसको खोलने के बाद जो वोल्टेज है वो 20 के आसपास आप देख पा रहे हो। अब उसको लगाते हैं, देखो लगाने के साथ यहाँ 21 हो गया। अब देखो उसको हमने खोला लंबे वाले पैनल को तो यहाँ 40 वोल्ट दिखाने लगा। तो देख रहे हो हम कनेक्टर बारी बारी से दोनों को खोल रहे हैं एक करके। अब देखो उसको लगाएंगे तो देखना यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगा, देखो वोल्टेज कम हो गया। तो पैरेलल करने के साथ क्या है कि वोल्टेज जो है वो 20 के आसपास ही रह जा रहा है। यहाँ वोल्टेज होना चाहिए था, अगर दोनों का वोल्टेज अगर जुड़ना चाहिए था तो आपको 60 के आसपास जुड़ना चाहिए था, नहीं तो कम से कम एवरेज तो होना चाहिए था। यहाँ तो 20 के आसपास आ जा रहा है, यानी 20 वोल्ट का हमें नुकसान हो रहा है इस वाले पैनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक जो पैनल था वो 40 एम्पियर का था, 40 वोल्ट का था, दूसरा जो पैनल था वो 20 वोल्ट का था। तो यहाँ पे पैरेलल में 20 वोल्ट का नुकसान हो रहा है। दो डिफरेंट वाट का अगर पैनल कनेक्ट करते हो आप तो लॉस तो आपका हर हाल में होगा, चाहे आप पैरेलल करो कि सीरीज करो, लॉस तो होना ही है। तो हमें सीरीज कर पैरेलल कर रहे हैं तो हमें नुकसान कहाँ हो रहा था, वोल्टेज का, जबकि वोल्टेज पैरेलल पे क्या होता है करंट जुड़ता, तो करंट का नुकसान हमें नहीं हुआ, करंट मिल गया हमें, लेकिन वोल्टेज का नुकसान हुआ आपने देखा। और हम दो सीरीज का कनेक्शन करते हैं, दो डिफरेंट वाट का अगर सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो हमें वोल्टेज का नुकसान नहीं हुआ, वोल्टेज तो जुड़ के मिल गया, लेकिन करंट का नुकसान हुआ। और करंट का नुकसान कई बार हल्का सा भी नुकसान होता है, लेकिन नुकसान होगा, किसी का भी नुकसान हो ओवरऑल क्या होगा, पावर का नुकसान तो होगा, चाहे सीरीज का हो कि पैरेलल का हो, पावर का नुकसान तो हुआ ही हुआ। तो इस वजह से आप कभी भी दो डिफरेंट वाट के पैनल को कनेक्ट नहीं करना है आपको, ठीक है, करोगे तो आपको नुकसान होगा, पावर का लॉसेस होगा। इसीलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने थ्योरिटिकल बताया था, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया था। आज मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि दो डिफरेंट वाट के पैनल को अगर कनेक्ट करते हैं तो नुकसान होता है या नहीं होता है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा, किसी और वीडियो में जानेंगे कोई और प्रैक्टिकल को, कोई और एक्सपेरिमेंट को, तब तक के लिए टेक केयर।